गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको फिर SST क्लास 1 का पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें मैंने आपको लेसन 1 अबाउट मी, लेसन 2 फैमिली, लेसन 3 आवर वंडरफुल बॉडी पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको लेसन 4 फूड बी ईट हम भोजन क्यों खाते हैं, किस लिए खाते हैं, भोजन खाने से क्या होगा, आइए आज हम इसको पढ़ेंगे और जानेंगे। वाई वी नीड फूड लिखा है, वाई वी नीड फूड, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, कि भोजन हमें क्या ऐसा देता है या क्या लाभ मिलता है जो कि भोजन करने से हमें फायदे हों। देखिए यहाँ दिया भी गया है, फल सब्जियाँ मिल्क घी बटर दिया गया है यहाँ पर, कि हम भोजन इन भोजनों को करते हैं जिससे हमें क्या क्या मिलता है। आइए देखते हैं क्या वी आल नीड टू ईट फूड टू लिव, फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। फूड हेल्प अस टू ग्रो हेल्दी, फूड मेक्स अस स्ट्रांग एंड एक्टिव। हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, वाई वी नीड फूड, ये हम आज जानेंगे। भोजन से हमें क्या क्या मिलता है, कह रहा है वी ऑल नीड टू ईट फूड टू लिव, फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। हमें भोजन से, भोजन करने से या खाना खाने से एनर्जी ऊर्जा मिलती है वर्क कार्य करने के लिए, टू शे भोजन से टू वर्क एंड प्ले, और जिससे हम किसी कार्य को करते हैं और खेलते हैं। फूड हेल्प अस टू ग्रो, हमारा विकास करने के लिए, बढ़ाने के लिए, हेल्दी स्वस्थ रखने के लिए। फूड मेक अस स्ट्रांग एंड एक्टिव, और हमें मजबूत एक्टिव फुर्तीला रखता है कौन, भोजन। जब हम भोजन निम्न प्रकार के भोजन लेते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी उसमें घी खाते हैं, तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी होने पर हम खेलते भी हैं और किसी काम को करते भी हैं, और जैसे ही हमारा एनर्जी ख़त्म हो जाता है तो हम थकना शुरू हो जाते हैं। फूड हेल्प और ग्रो, और क्या करता है, ग्रो मतलब हमारे शरीर का विकास करता है, बढ़ाता है, हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है। फूड मेक अस स्ट्रांग, बहुत मजबूत बनाता है, एंड एक्टिव फुर्तीला, किसी काम को हम जल्दी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं नीचे क्या दिया है। नीचे दिया है 3 मेन मील्स, हम 3 मुख्य भोजन करते हैं। वी ईट 3 मेन मील्स इन ए डे, एक दिन में हम 3 मुख्य भोजन खाते हैं या करते हैं। 3 मेन मील्स, पहले ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे, सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट करते हैं। वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, और वह ब्रेकफास्ट हम मॉर्निंग में सुबह में करते हैं, ठीक। वी हैव लंच
इन द आफ्टरनून। इसके बाद हम लंच करते हैं कब? आफ्टरनून, दोपहर में। वी हैव डिनर एट नाइट, और फिर रात में हम डिनर करते हैं। ए मील विथ ऑल काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स इन द राइट अमाउंट इज ए हेल्दी मील। ए मील्स विथ ऑल काइंड्स, सभी प्रकार के फूड आइटम्स इन द, इसमें सभी प्रकार के फूड आइटम आ जाते हैं, इज द हेल्दी मील्स, मील्स में एक स्वस्थ भोजन करने के लिए हमें निम्न प्रकार के आइटम्स की आवश्यकता होती है। डिफरेंट फूड वी ईट, आइए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।